फिर रिलायंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज संपत्ति के अंतरण अधिनियम से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए, सबसे अपील कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को तक मेरी ये चैनल पहुँच बना सके और उन्हें मेरे इस चैनल का लाभ मिल सके। अब तक हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम को धारा 1 से लेके 11 तक पढ़ा हुआ है, 11-12 तक पढ़ा हुआ है। हमने स्टार्टिंग के अध्याय में ही आपको बताया था कि संपत्ति का अंतरण अधिनियम जो है वो मुख्यतः दो भाग में बटा हुआ है। इसका भाग एक जो है वो सामान्य सिद्धांत से संबंधित है, वहीं इसका जो भाग दो है वो संपत्ति के वास्तविक अंतरण को बताता है। तो सामान्य सिद्धांत, वो सिद्धांत जो संपत्ति के अंतरण में लागू होते हैं, जिन्हें संपत्ति के अंतरण के दौरान ध्यान रखना आवश्यक है। यदि इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाए तो अंतरण क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। वहीं संपत्ति का वास्तविक अंतरण अर्थात संपत्ति का अंतरण किस प्रोसेस के थ्रू होगा, यह हम देखते हैं संपत्ति के वास्तविक अंतरण में। तो एक और इसका पहला खंड जो है वो आपको उन सिद्धांतों से परिचय करा देता है जो संपत्ति के अंतरण में ध्यान में रखे जाने चाहिए। वहीं इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये बताता है कि संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको सामान्य सिद्धांत के प्रोसेस में ही अध्याय 1 से लेके अध्याय 10 तक बता दिया है। आज हम संपत्ति का अंतरण का ही इस सामान्य सिद्धांत के प्रोसेस में अध्याय 13, 14, 19, 21, 25 और 26 का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ इसके अध्याय 13 की ओर, जो किसी अजन्मे व्यक्ति के फायदे के अंतरण के लिए स्पेशली है। मतलब कोई अजन्मा व्यक्ति जो अंतरण के समय जीवित नहीं, से मेरा आशय वो इस दुनिया में ही नहीं है, परंतु उसके फायदे के लिए भी यदि कोई अंतरण किया जाता है तो उसके बारे में धारा 13 कुछ सिद्धांत देती है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि धारा 13 कौन सा सिद्धांत देती है। अगर आप देखेंगे संपत्ति के अंतरण अधिनियम एक्ट को उठाएंगे तो उसके धारा 13 में साफ लिखा हुआ है अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। तो अजन्मा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अंतरण के समय मौजूद नहीं है परंतु भविष्य में मौजूद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब संपत्ति का अंतरण होने पर किसी ऐसे व्यक्ति का अधिकार उत्पन्न हो जाता है जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में नहीं है, तब उसी अंतरण के द्वारा उत्पन्न किए गए किसी पहले के अधिकार के अधीन ऐसे अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए तैयार किया गया अधिकार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक यह बाकी बची पूरी संपत्ति में अंतर के अधिकार पर भी लागू नहीं होगा। संपत्ति के अंतरण अधिनियम का की धारा 13 जो है वो हिंदू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 113 के ही समान लगती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 113 जो है वो भी ऐसे वसीयतकर्ता के लिए है जो अपनी वसीयत किसी व्यक्ति को उसके जीवन पर्यंत उपयोग के लिए कर देता है, अपनी संपत्ति की वसीयत, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटे को कर देता है। चूंकि यहाँ उसने अपनी संपत्ति पर हक अपने प्रथम जीवित व्यक्ति को दे दिया है, इसलिए उसका हित उस पर से समाप्त हो जाता है। और चूंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को, अजन्मे पुत्र को मिलना है, तो ऐसा हक उस अजन्मे पुत्र को समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभी वसीयत बीच के भाग पे है। बीच के भाग मतलब जीवित व्यक्ति के पास है, अब वो उसकी दूसरी वसीयत कर सकता है, इसलिए इस तरीके का वसीयत क्या हो जाती है, अमान्य हो जाती है। यही कुछ धारा 13 में भी बताया गया है। अपनी कोई वसीयत बी के नाम कर देता है और उसी वसीयत में यह भी उल्लेख करता है कि बी की मृत्यु के पश्चात यह वसीयत उसके बड़े बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे खास बात, एक ही वसीयत तब लागू होगी जब एक ही मृत्यु होती है। तो सपोज एक ही मृत्यु होती है, मृत्यु के समय बी का बड़ा बेटा अस्तित्व में नहीं था, ऐसी स्थिति में इस वसीयत की सेकंड कंडीशन जो है वह
अमान्य हो जाएगी, क्योंकि वसीयत या इस तरीके का अंतरण जीवित व्यक्ति को ही किया जा सकता है। 14. शाश्वतता के विरुद्ध नियम। तो शाश्वतता क्या है? शाश्वतता से आशय है संपत्ति को किसी अनिश्चित अवधि या हमेशा के लिए बांध देना, इस तरीके से बांध देना कि उसका कोई उपभोग ना कर पाए। तो ये कैसे होता है? तो पहले हम देख लेते हैं शाश्वतता के तरीके क्या है। शाश्वतता के तरीके दो हैं। पहला, संपत्ति के मालिक से उस संपत्ति का अन्य संक्रमण करने का अधिकार छीन लेना। मतलब आपने एक संपत्ति किसी को दी और उसी में यह मेंशन कर दिया कि तुम्हारे जीवन काल के पश्चात यह संपत्ति किसी तीसरे को चली जाएगी, जो आपने ही मेंशन कर दिया है। तो ये शाश्वतता का विरुद्ध नियम है। वहीं इसका दूसरा, उस संपत्ति में सुदूर भविष्य में मिलने वाले हित का सृजन करना। तो भाई शाश्वतता के जो विरुद्ध नियम है, इसका उद्देश्य संपत्ति में भविष्य में प्राप्त होने वाले सशस्त्र सृजन को नियंत्रित करना है। अब देखते हैं संपत्ति के अंतरण अधिनियम की धारा 19। संपत्ति के अंतरण अधिनियम की धारा 19 निहित हित को बताती है। निहित हित, जब किसी संपत्ति के अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसे हित का सृजन होता है जिसमें यह निश्चित नहीं होता कि वह हित कब से प्रभावी होगा, किंतु उसका प्रभावी होना निश्चित होता है, तब ऐसे हित को निहित हित कहते हैं। मतलब उस हित की निश्चितता पहले से प्रभावी हो जाती है। संपत्ति के अंतरण पर ऐसी शर्त जोड़ दी जाती है जो फुलफिल होने पर ही वह कंडीशन या वह संपत्ति का अंतरण होगा। तो इस तरीके से, और यह संभव है कि वो घटना घटेगी ही, तब इस तरीके का हित निहित हित कहलाता है। इसका एक अन्य भाग भी है जो धारा 21 में बताया गया है, वह समाश्रित हित या प्रासंगिक हित है। जब किसी संपत्ति का अंतरण होने पर सृजित होने वाला हित किसी अनिश्चित या आकस्मिक घटना के घटने पर प्राप्त होने वाला हो, तब इसे प्रासंगिक हित कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, निहित हित और प्रासंगिक हित, इनमें एक बड़ा अंतर यह है कि निहित हित में घटना घटेगी ही और प्रासंगिक हित में घटना के आकस्मिक घटने को दर्शाया गया है। मतलब यह घटना घट भी सकती है और यह घटना ना भी घटे, ऐसा भी संभव है। चलिए अब देखते हैं सशर्त अंतरण। तो संपत्ति के अंतरण के अधिनियम या धारा 25 में सशर्त अंतरण को बताया गया है। अंतरण को बताती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी शर्त या दायित्व के पूरा होने के बाद ही करना चाहता है, तब इस प्रकार के अंतरण को सशर्त अंतरण कहा जाता है। ये जो सशर्त अंतरण है, ये दो प्रकार का होता है, पूर्वभावी शर्त और उत्तराभावी शर्त। तो जो पूर्वभावी शर्त है, वो कोई ऐसी शर्त जिसका पालन होने के बाद हित सृजित होता है, वह ये धारा 26 में दिया गया है। वहीं उत्तराभावी शर्त, कोई शर्त जिसे संपत्ति का अंतरण होने के बाद हित का सृजन होने पर पूरा करना आवश्यक है। देखिए एक में कंडीशन ऐसी है जो पहले फुलफिल की जाएगी तभी संपत्ति का अंतरण होगा, वहीं दूसरे में संपत्ति का अंतरण तो हो गया है परंतु उसके हित हो जाने के पश्चात ही उसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल की जाएगी। इस तरीके से एक होती है पूर्वभावी शर्त और एक होती है उत्तराभावी शर्त। तो आज मैंने आपको इसके सिद्धांतों में से धारा 13 जो अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण है, धारा 14 जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, धारा 19 जो निहित हित है, धारा 21 जो प्रासंगिक हित है और धारा 25 जो सशर्त अंतरण से संबंधित है, इन सिद्धांतों को बता दिया है। अब हम इसके अगले वीडियो में इसके आगे की धाराओं पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे कुछ विनती कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।